अपने देश में क्यों नहीं दिला रही, इसराइल क्यों जाना पड़ रहा है। वैसे यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन किया है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो जहां मंदिर होगा वहां पे मेरिट का क्या मतलब है। संसद में जाकर मंत्र फूकेंगे क्या या पूजा पाठ करेंगे, संसद में तो उनकी जरूरत ही नहीं है। आपको तिहरा तो 3 गुना विरोध झेलना पड़ेगा। आज वो दलित दिवाली मना करके खुशियां मनाने के राम आएंगे, तो तुम्हारी झोपड़ी में आज तक राम नहीं आए, जब तुम्हारे घरों में तुम्हारे शरीर पर चिथड़े थे, तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं थी। कांवड़ ढोने के लिए तुम्हारी भीड़ यूज होती है, मंदिर बनाने के लिए दलित ओबीसी की भीड़ यूज होती है। जब इस देश में नौकरियों की बात आती है तो इनको कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारी तुम में योग्यता नहीं है, हार हाथ में लगते ही कह देंगे ईवीएम माता ने हमें हरा दिया। इनके विरोध दर्ज करने से चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ जाएगा। चुनाव आयोग को देश से ऊपर नहीं, जनता से ऊपर नहीं है। जब जनता का और विपक्षी दल का विश्वास ही नहीं है ईवीएम पर, तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेता की जो सोच होती है वो केवल आपके वोट तक होती है, आपके दर्द तक नहीं जाती है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान है दीदी निर्देश। लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों पर बात करती हैं, उन तमाम मुद्दों को उठाती हैं सरकार के सामने, जिस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। सरकार सोचने पर बिल्कुल भी ये नहीं सोचती है कि बहुजन समाज की राजनीति तो करती है लेकिन बहुजन समाज को हक अधिकार भी देना है। लेकिन सबसे बड़ी बहुजन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो वो मंदिर, जानेंगे उनसे कि मंदिर बन गया है, उनको कैसा लग रहा है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। जी, पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ST SC OBC के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया तोहफा दिया, 2024 में अयोध्या मंदिर दे दिया। देखिए, जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें दे दिया। मंदिर तो यहाँ सालों से थे और संविधान से पहले भी यहाँ मंदिर थे, हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लाखों मंदिर देश के अंदर है, एक मंदिर और बन गया, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन मंदिर बनने से क्या हमारे जो संविधान के विरोध में लगातार सरकार काम कर रही है, जो आरक्षण के खिलाफ कर रही है, जो हमारी एजुकेशन के खिलाफ कर रही है, वो काम बंद हो जाएगा क्या इस देश के अंदर? अब ST ST OBC के जो लोग हैं, जो नौकरी विहीन है, उनको नौकरियां मिल जाएंगी क्या? जो लोग बीमारी के हालात में अस्पतालों के बाहर लाइन में लगकर दम तोड़ देते हैं, अस्पताल में इलाज भी नहीं करा पाते, क्या उन लोगों का जो जीवन है वो जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा? आप नौकरी की बात कर रही हैं, देखिए देश के युवा रोजगार के लिए इजराइल भेजा जा रहा, भारत सरकार काम कर रही है, उनको रोजगार दिला रही है इजराइल जैसे देश में। अपने देश में क्यों नहीं दिला रही, इसराइल क्यों जाना पड़ रहा, वो भी उस इसराइल में जाना पड़ रहा जहाँ पर अभी वहाँ के लोग भी रहना नहीं चाह रहे हैं। खुद इसराइल के लोग इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ आज तुम भेज रहे हो, क्योंकि वहाँ के खुद लोग वहाँ रहना नहीं चाह रहे और मजदूरी करने के लिए वहाँ भेज रहे हो। अपने देश में तो रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन दूसरे देश के साथ आप समझौता करा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके पास लेबर, यहाँ भूखी मर रही है तो आपने वहाँ भेज दी। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ भूखा मरने से अच्छा है कि वहाँ बम के चपेट में आके मर जाएं। तो इस कदर यहाँ की बेरोजगारी है, इसी से पता चलता है कि यहाँ से आप पहले मजदूरों को भर भर के जहाज़ों में ले जाया जाते थे, गिरमिटिया मजदूर, ये मजदूर, मतलब मजदूरों को जहाज़ों में भर के ले जाते थे जंजीरों में बांधकर। आज हमारे यहाँ का मजदूर इतना मजबूर है कि वो खुद ही कह रहा है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे बस मजदूरी दे दो, चाहे इसके लिए इसराइल जैसे देश में जहाँ पर अभी दो देशों की कई महीनों से लड़ाई जंग चल रही है और जो अभी बंद नहीं हुई है, तो वो वहाँ तक जाने को मजबूर। आप गरीबों को कह रही हैं कि वो मजबूरी में जाना चाह रहे हैं, मजबूरी कहें या ये कहें कि उनके अंदर मेरिट की कमी है, काबिलियत की कमी है, अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो वो देश में काम करते। देखिए, काबिलियत पर तो हमारी सरकार कभी काम ही नहीं करती, जो ब्रेन है, जो ब्रिलियंट है, उस पर हमारी सरकारों ने ना तो कोई, यहाँ पर इस तरह के सेंटर बन रहे हैं, नया ऐसे यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन किया है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो जहाँ मंदिर होगा वहाँ पे मेरिट का क्या मतलब है? मंदिर में तो मंत्रों की जरूरत पड़ती है और वो मंत्र और जो धन आता दान पेटी में उसे कट्टों में भरने की, बोरे भरने की जरूरत पड़ती है, उसमें तो कोई मेरिट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग मेरिटधारी बनते हैं जो मंदिर में बैठ करके 4 संस्कृत के मंत्र गुड़गुड़ा देते हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, फिर उसके बाद जहाँ सारा धन आया हुआ लूट लेते हैं और एक वर्ग का हो जाता है। तो यहाँ पर मेरिट में सरकारें काम कहाँ कर रही हैं? अगर मेरिट की बात करें तो इस देश के अंदर जब उसमें टनल में लोग फंस जाते हैं उत्तरकाशी में, तो बाहर से इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि जब यहाँ IIT के जो डीन हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो तो लुंगी पहन के, टीका लगा के और शिखा रख कर वहाँ पे जनेऊ पहन करके धर्म का डंका बजा रहे हैं। तो जहाँ धर्म की धर्मांधता होगी वहाँ पर मेरिट पर ना काम करेगी सरकार, क्योंकि इस देश की सरकार को ब्रेन से दिक्कत है। जो ब्रिलियंट लोग यहाँ सवाल उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, उनकी करी वादे किए हुए बातों को उठाते हैं, कहते हैं भाई आपने वादा किया था कब पूरा होगा, तो वो लोग उनको बुरे लगते हैं। यहाँ तो ब्रेन पर काम अगर कोई करना चाहे तो उसको सीधा जेल का रास्ता दिखा देते हैं।
आप लगातार मंदिर और देवी देवताओं पे बहुत निशाना साधती हैं, क्या दिक्कत है आपको? देवी देवताओं से क्या दिक्कत है? इस देश की संस्कृति से क्या दिक्कत है? इस देश की धरोहर को जिंदा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, उससे आप इतना मतलब आप लोग अगर बहुजनों की बात करें, सोशल जस्टिस की बात या सोशल जस्टिस की आड़ में आप लोग देश की सरकार का विरोध करने लगते हैं? देखिए, हम किसी भी सरकारों के विरोधी नहीं हैं, हम सिस्टम के विरोधी हैं। उस सिस्टम के विरोधी जिस सिस्टम में आप मान लीजिए इस देश में आपके आपने अभी कहा कि हम देवी देवताओं की बुराई करते हैं, उनका विरोध करते हैं, हम नहीं करते। हजारों वर्षों से वो हमारा विरोध करते आए हैं, हजारों वर्षों से वो हमारे पुरखों को गुलाम बनाते आए हैं, हजारों वर्षों से वो हमारे मुंह से निवाला छीनते आए हैं, हजारों वर्षों से वो गंदे घृणित काम हमारे पुरखों से करवाते आए हैं। बस हमने ये पूछ लिया कि आखिर तुम भी इंसान थे, हमारे लोग भी इंसान थे, तो हमारे लोगों के साथ ऐसा जातीय शोषण क्यों, जातीय आधार पर इतनी घृणा क्यों कि वो व्यक्ति अगर टैलेंटेड भी है, डॉक्टर अम्बेडकर से आज क्यों घृणा है? उनके टैलेंट में कोई कमी थी? उनकी योग्यता में कोई कमी थी? या उनकी मेरिट कोई कमी थी? उनकी मेरिट के बराबर आज तक भी कोई ऊपरी अगड़ी जाति का व्यक्ति सामना नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत क्यों? केवल जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर जहां नफरत है, बस हम बोल रहे हैं। हमने तो अभी तक हम तो अभी उस पोजीशन में आए नहीं कि बदला ले सकें, ना अभी हम उस पोजीशन में आए कि हम गाली दे सकें, ना हम उस पोजीशन में आए कि हमें इन्हें जाति आधार पर इन्हें घृणा। अब बताइए, हम अगर इनसे जैसे इन्होंने कहा कि भाई तेली तमोली क्या करेंगे, संसद में आकर हल चलाएंगे क्या? अगर अब हम ये कहने लगे कि ब्राह्मण संसद में जाकर क्या करेंगे, संसद में जाकर मंत्र फूकेंगे क्या या पूजा पाठ करेंगे? संसद में तो इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो कहते हैं तो वो गर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जो श्रेष्ठता का जो दर्जा उन्हें जन्म से मिला हुआ है, उसके बाद वो कितनी भी गलत बातें बोल दें, आज मेरे खिलाफ लोग गालियां देते हैं, गंदी भद्दी चीजें निकालते हैं। वो अगर मेरे नाम के आगे निर्देश पंडित लगा होता या निर्देश शर्मा होता, ब्राह्मण होता, तो ये गालियां नहीं, मैं इनकी देवी बन चुकी होती और ये मुझे अभी तक महिमा मंडन करके तो किसी। आप कहना चाह रही हैं कि आप जो भी बात करती हैं उसमें भी जाति के आधार पे लोग आपको हाँ। देखते हैं, जाति के आधार पे अंदाजा लगाते हैं कि किसको कितने हिस्से में गाली देनी है? बिल्कुल, देखिए जाति आधार पे आप तय करते हैं कि इस व्यक्ति को सुनना है या नहीं सुनना, इस व्यक्ति को गाली देनी है नहीं, हम कितनी भी अच्छी बात कर लें, क्योंकि उनके जो फ्रेम है, उनका जो बॉक्स है, उसमें हम फिक्स हो चुके हैं। हमारी इमेज उन्होंने फिक्स कर रखी है कि ये दलितों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, तो ये होगी, ये मतलब उनकी नज़र में हम हो जाते हैं जैसे हम न्याय की बात करते हैं। मतलब हमारी जाति को जानना भी नहीं चाहते वो। अगर आप न्याय की बात करेंगे तो आप तुरंत जो है उनकी नज़र में एक छोटी जाति के हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर विचार भी जो उत्तम विचार की बात करेगा वो ऑटोमेटिकली वो अपनी उसकी एक जाति तय कर देते हैं कि इसलिए हम इसको नहीं सुनते, इसलिए बुरी है, इसलिए सुपर्णखा जैसी लगती है, लंका जैसी लगती है, कालका जैसी लगती है, यानी कि एक गलत शब्दों के साथ उसके मोरल को डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपने मोरल की बात की, आप एक तो महिला हैं और ऊपर से बहुजन समाज से आने वाली महिला हैं, तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करती हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि मुझे लगता है बोल्ड महिलाएं सिर्फ एक ही विशेष जाति की होनी चाहिए तो ही इस समाज को भाती है, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, मैं इसको पहले भी आपके चैनल पर कह चुकी हूँ। पहला तो आप महिला हैं तो आपको पुरुषवाद से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप दलित हैं तो आपको जातिवाद से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप मुद्दों को उठाती हैं और हजारों वर्ष का जो एक बना हुआ ताना बाना है उसको भेदती हैं, उसमें छेद करती हैं, उसको हटाती हैं, उस जाल को हटाती हैं समाज के ऊपर से, उन पर तो उतारती हैं, तो फिर आपको तिहरा तीन गुना विरोध झेलना पड़ेगा। क्योंकि इस भारत में औरत को एक ऐसे मूर्ति में देखा गया है कि वो चुप रहे, वो साड़ी लपेटे, कमसिन कली सी दिखाई दे, वो नाजुक सी लगे, वो एकदम फूल जैसी हो, छू दें तो मुरझा जाए। मेरे जैसी महिलाएं गाली से भी नहीं मुरझाती, तो उन्हें लगता है कि ये क्यों है इतनी कठोर, वो तोड़ देना चाहते हैं। खासकर तब जब उनको लगता है कि ये हमारी जाति या ऊंची जाति से नहीं आती है, या इसका जन्म किसी ऊंचे परिवार में नहीं हुआ, बड़े खानदान में नहीं हुआ है, तो फिर ये अपमान का इसका एक एक ही स्थान है इसका अपमान, तो वो अपमान हमें झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर सावित्रीबाई फूले का मोरल नहीं डाउन कर पाए, तो सावित्रीबाई फूले की बेटी निर्देश का भी मोरल डाउन नहीं होगा। जो विचारों को विचारों से अपनी भावनाओं को मजबूत करता है, उनकी भावनाएं इन लोगों की तरह सड़क पर कहीं भी बिखर बिखर के खंड खंड नहीं होती, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को तर्क शक्ति का खाना खिलाते हैं, तो वो ताकतवर हैं, वो जल्दी से इनकी तरह नहीं है। ना इनको हम गाली देते फिर भी हमारे सच्चे मुद्दे इनके लिए गाली दिखाई देते हैं, ये हमें गाली देते हैं फिर भी हम उनकी गालियों को पचा करके इग्नोर करके अपने काम पर लगे रहते हैं। आपने सावित्रीबाई फूले की बात करी, आज की सबसे बड़ी अगर मैं खबर आपको बता दूँ तो UGC संस्थान में ST SC OBC के लिए आरक्षण खत्म करने का प्रावधान लाया जा रहा है, तो
आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि हम लगातार लड़ते रहेंगे, गालियां भी मिलेंगी तो उसको इग्नोर करके अपनी बात रखेंगे। तमाम संगठन है, मुझे लगता है बहुजन समाज अपने आप को 85% कहने वाला संगठन भी बड़ा होगा, जिस जिस समाज में लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहां पे संगठन भी ज्यादा संख्या में होते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें क्यों देखने के लिए मिलती है, कि वजह क्या है इसकी? देखिए, इसके पीछे हमारे जो राजनीतिक लीडर हैं, जिनको हमारे जो संख्या हमारी वोट देकर उन्हें ताकतवर बनाती है, वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है, वो इस समय बंधुआ मजदूर हैं, वो सरकार को जिन अपनी अपनी पार्टियों के अंदर वो एक काम पर रखे हुए कर्मचारी हैं, जैसे कि आप अपने ऑफिस में आपके कर्मचारी हैं काम पर, वो वही काम करेंगे जो आप उन्हें बताएंगी, तो वो कर्मचारी के तरीके से, बंधुआ मजदूरी के तरीके से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, ना कि वो हमारे समाज के जो छीनते हुए अधिकार हैं। अब समाज की रही बात, तो समाज में जो गिनती के लोग हैं वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, चुनौती देते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या जो गांवों में गरीब है, कमज़ोर है, अनपढ़ है, अभी वो वर्ग इस कदर मिसगाइड कर रखा है कि वो उसे लगता है मंदिर बनवाना है। अभी दिवाली मनाई, वो दलित दिवाली मना रहे हैं जिनके शंभूक का गला काटा था राम ने, आज वो दलित दिवाली मना करके खुशियाँ मना रहे हैं कि राम आएंगे। अरे तुम्हारी झोपड़ी में आज तक राम नहीं आए, जब तुम्हारे घरों में तुम्हारे शरीर पर चिथड़े थे, तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं थी, तुम्हारे चेहरे पर दुखों का केवल झुइयाँ थी, और ऐसा था कि तुम्हें देखकर ही लगता था कि ये इंसान है, ये कैसे इंसान है जो बोलते नहीं है, मुर्दा जैसे थे। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे अधिकार दिला दिए, तो आज तुम रामराज के लिए दिवाली मना रहे हो। दिवाली मनाने वाले लोगों को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वो बात उनके दुश्मन जानते हैं, इसलिए उनसे लगातार छीनने पर लगे हुए हैं, और जब तक ये मंदिरों के पीछे भागते रहेंगे, जब तक इनकी नौकरियाँ जाती रहेंगी। तुम्हें मंदिर चाहिए था ना, मंदिर मिल गया, अब नौकरी का करेंगे क्या? नौकरी के लिए लड़ेगा कौन? नौकरी के लिए लड़ते तो ये मंदिरों के जाकर भीड़ तैयार ही नहीं होती। नौकरी के लिए अगर लड़ते तो आज ये जगह जगह जाकर के इस नेता के पीछे भीड़, उस नेता के पीछे भीड़, और उनके लिए नारे लगाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए तुम्हारी भीड़ दिखाई नहीं देती। कांवड़ ढोने के लिए तुम्हारी भीड़ यूज होती है, मंदिर बनाने के लिए दलित ओबीसी की भीड़ यूज होती है। जब इस देश में नौकरियों की बात आती है तो इनको कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारी तुम में योग्यता नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनकी योग्यता तो इसीलिए डेवलप की है कि बस जाओ भी तुम भीड़ में इकट्ठा हो, नारे लगाओ, कभी किसी का लगाओ, कभी किसी का लगाओ, लेकिन तुम अपने अधिकारों के लिए नारे लगाओगे तो लाठी पड़ेगी। आपको पता है 69,000 भर्ती के लिए शिक्षकों को कितनी लाठियां खानी पड़ी हैं, अभी भी पड़े हैं वो लखनऊ में। तो जब आप अधिकारों की बात करेंगे तो आपको जो है तानाशाही रवैये का सामना करना पड़ेगा, जब आप धर्म की बात करेंगे, जब आप आडंबर अंधविश्वास की बात करेंगे, तब आप पे फूल बरसाए जाएंगे। आपने फूल बरसाने की बात की, नौकरी की बात की, लगातार आप देखेंगे कि आपने नेताओं की भी बात की कि सदन में बैठे जो लोग हैं वो इम्प्लॉयज़ की तरह हैं, इम्प्लॉयज़ को जैसा टारगेट दिया जाएगा वैसे काम करेंगे। लेकिन ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मुद्दा है। आप विपक्षी पार्टियों को देखेंगी तो मुझे लगता है वो आंदोलन करने में पीछे हैं, वो राजनीतिक भागीदारी में कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही हैं, और जब चुनाव नज़दीक आता है तो ईवीएम जैसे मुद्दे को गरमाया जाता है, तो कहाँ तक ईवीएम का मुद्दा सही है? देखिए, ईवीएम के लिए जो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए विपक्षी दलों को, वो शांत पड़े हैं। वो जिनके एमपी बनेंगे, जिनके एमएलए बनेंगे, वो तो बोलते नहीं हैं, उन्हें तो लगता है कि जब हम चुनाव हार जाएंगे तो हम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। लेकिन चुनाव से पहले आज जो लोग उठा रहे हैं वो उनके ना एमपी बनने वाले, ना एमएलए बनने वाले, और उनका ना कोई एमपी एमएलए सदन में बैठा है। सामाजिक संगठन उठा रहे हैं, या नई नई ताज़ी बनी हुई पार्टियाँ उठा रही हैं, या वो लोग उठा रहे हैं जो समाज की आने वाली चुनौतियों को देख सकते हैं या समझ सकते हैं, दूर की सोच रखते हैं। लेकिन जो नेता हैं वो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, हार हाथ में आ जाएगी, हार हाथ में लगते ही कह देंगे ईवीएम माता ने हमें हरा दिया। लेकिन उससे पहले अपनी जुबान को नहीं खोलेंगे, उससे पहले अपने आक्रोश को नहीं दिखाएंगे, उससे पहले चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, अगर जबकि इनके विरोध दर्ज करने से चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ जाएगा। चुनाव आयोग को देश से ऊपर नहीं, जनता से ऊपर नहीं है। जब जनता का और विपक्षी दल का विश्वास ही नहीं है ईवीएम पर, तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन विपक्षी दल इस पर ना तो कोई हलचल करते हैं, न किसी तरह का आंदोलन करते हैं, और जो आम जनमानस में से आंदोलन निकल कर आते हैं इन्हें और विरोधी बताते, कहते हैं तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि वो लोग इस आंदोलन के माध्यम से आम जनता को बता रहे हैं कि भाई ईवीएम से आपके वोटों के साथ चोरी हो रही है, पूरा डांका डल रहा है, आपकी आपकी लूट मचाई जा रही है, आप वोट किसी को दे रहे हैं जा कहीं रहा है, और जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपका नेता बन के चला जाता है आपके बीच में से। तो ये जो ईवीएम की बात है, इसके लिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। ये तो हमने ईवीएम पे बात की, जातिवाद को आप कैसे देखती हैं भारत में, कि किस तरीके से आप तमाम खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पाता कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद का कोई शिकार हो भी रहा है कि नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसी खबर हादरस से आ रही है कि हादरस के गांव से ठाकुरों ने अत्याचार किया, दलित परिवार पलायन करने के लिए मजबूर। क्या वाकई में इस तरीके की घटना आज भी 75 साल बाद भी होती है हमारे समाज में?
देखिए जो जातिवाद है ना, वो गरीबी और भुखमरी और लाचारी, बेबसी और जेल के अंदर, इससे भी ज़्यादा बुरा है। क्योंकि अगर आदमी के खुद के चप्पल न होंगे पैर में, लेकिन उसे ये पता चल जाए सामने वाला जाति से नीचा है, तो एक उसका नौकर भी अपने मालिक की इज्जत खो बैठता है अपनी नज़रों में। क्यों? उसको लगता है यार भले ही मेरा मालिक है, लेकिन इसकी जो इज्जत है मैं जाति के आधार पर करूँगा। तो देश के अंदर जाति इज्जत भी जाति के आधार पर मिलती है, बेइज्जती भी जाति के आधार पर होती है, देश में शादियाँ भी जाति के आधार पर होती हैं, और देश के अंदर इस देश में बोल चाल, रहन सहन, खान पीन, पड़ोसी के साथ कितनी बात रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, कितनी रोकनी है, ये भी जाति जानने के बाद ही होती है। सासनी, हाथरस में सासनी का एक केस है जिसमें वो लोग अपना घर छोड़ने के लिए परेशान है। रही बात ठाकुर की, तो ठाकुर को पहले ये जान लेना चाहिए कि तुम तो सबसे बड़े गुलाम हो। ठाकुर को भी तो ब्राह्मण ने खुद के साथ नहीं रखा, जिस धर्म की, जिस जातिवाद की, जिस वर्ण व्यवस्था की तुम सुरक्षा करने के लिए गरीब लोगों को मारते हो, कमजोर को मारते हो और खुद को दबंग बताते हो, तो भाई ये दबंग ही नहीं है। कमजोरों को सताना दबंग ही नहीं है। तुम ऊपर को जो तो तुम सर झुका करके पाए लगू बोलते हो, और नीचे जब कमजोर को देख ले तो तुम जाति के आधार पर घमंड दिखाते हो। तो ये जो इनकी जातिवादी सोच है, ये ठाकुरों के दिमाग में मनुवाद की वजह से इम्प्लीमेंट की गई। मनुवाद को ढो रहे हैं वो, और इतने बड़े गुलाम है कि कभी उन्होंने ये सवाल नहीं करा कि भी जब वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया तो हमें उसके नीचे क्यों रखा गया, बराबरी में क्यों नहीं रखा गया। इक्वालिटी तो तुम्हें भी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी की लड़ाई नहीं लड़ोगे तुम किसकी लड़ाई लड़ोगे कि तुम्हें दलित को सताना, तुम्हें कमजोर जाति को सताना, क्योंकि वो उसको सताने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है ना। पर तुम्हें कभी सही लड़ाई लड़ने की ना समझ आई है, ना सही लड़ाई लड़ने के लिए तुमने कभी कदम उठाया। ये कदम भी तुम्हें इस समाज का, इस भारत का ऐसी समाज समझा रहा, सिखा रहा है कि थोड़ा सा भैया मनुवाद को पढ़ लो, थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था को पढ़ लो। जिस वर्ण व्यवस्था के लिए तुम अपना ठाकुराई बचाए हुए हो ना, आज ठाकुरों की ठाकुराई नहीं बच रही। जब नंगे भूखे बैठे हैं, और ना ये शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं आगे, ना ये बिजनेस के क्षेत्र में जा रहे हैं, ना ये नौकरियों में जा रहे हैं, तो ये ठाकुराई बचाए पड़े हैं बस, लेकिन बाकी इनके पास कुछ नहीं बचा, जमीनें तक इनसे छीनने वाली हैं। कैसे मतलब चेंजेस आएंगे, क्योंकि टीवी अखबार में तो इस तरीके की कोई खबरें नहीं है। आप लोग जो मुद्दे पे अपनी आवाज उठाते हो, टीवी अखबार में वो दूर दूर तक खबरें नहीं है। देखिए टीवी अखबार पूरी तरीके से जब से भारत आज़ाद हुआ है, और आज़ादी से पहले भी, जैसे द हिंदू अखबार थे और बहुत द ट्रिब्यून थे, बहुत सारे अखबार जो दो चार अखबार इसके आज़ादी के पहले रहे और आज़ादी के बाद, टीवी अखबार प्लस बॉलीवुड जिसको आम जनता देखती है, जिसको एंटरटेन के रूप से भी देखती है, जानकारी प्राप्त करने के रूप से भी देखती है, वो दोनों ही पूरी तरीके से उन लोगों के हाथ में रहे जिन लोगों ने जातीय सिस्टम को बनाया। उन्होंने ही जातीय सिस्टम के आधार पर सारी खबरें चलाई। वो अब वो ऐसा जो विलन होगा उसको हीरो बना के दिखा देंगे, और जो हीरो होगा उसको विलन बनाकर जनता के बीच में दिखा देंगे। तो इस भारत के अंदर जिन्होंने जातीय आधार पर सताया उन्हें दबंग कहा गया, जबकि दबंग वो होता है जो किसी कमजोर की, गरीब की सहायता करे। यहाँ पर गुंडागर्दी करने वालों को दबंग बताया जाता है, उन्हें राउडी बताया जाता है, उन्हें हीरो बताया जाता है, उन्हें समाज में ऐसे दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा ही तुम भी बनो। तो जो देश की मीडिया है, जातिवाद का जो सारा ठेका ले रखा है इस मीडिया ने ले रखा है, जो ये चलाती है वो लोग मान लेते हैं। दूसरा टीवी ने ले रखा है, बॉलीवुड ने ले रखा है, नाटक सीरियल ने ले रखा है, और उसके बाद में बची छोटी मोटी जान हम जैसे लोगों की, वो हम जैसे लोग इनको पूरा टक्कर दे रहे हैं जिनके हाथ में सारे शक्ति संसाधन है। तो जातिवाद को आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सताने की जो अति होती है ना, किसी भी चीज़ की अति जहर होती है। बुद्धा ने कहा है आप किसी भी चीज, किसी ने पूछा कि बुद्धा जहर क्या है, तो बुद्ध ने कहा जहर वो पदार्थ नहीं है जिसको जीभ पर रखते हैं और आदमी मरता है, जहर हर वो चीज़ है जो अति के ऊपर गुजर जाती है। अति से गुजरा हुआ पानी बाढ़ बन जाता है, अगर वो गिलास में रहे तो पीने योग्य रहता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो बहा के ले जाता है। अति इतनी ठीक है, आग जितने में आप ताप लो, जितने में खाना बन जाए, अगर उससे ज़्यादा फैल जाए तो लोगों को जला देती है, ख़त्म कर देती है, गांव के गांव फूंक देती है। तो जिस और ऐसी जाति की नफरत है, जाति की नफरत की जब अति बढ़ रही है, इस नफरत की जितनी अति बढ़ेगी इतना ही नीचे दबा हुआ व्यक्ति शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। अभी आपको पता होगा संभल में कल की ही घटना है, परसों की, गणतंत्र दिवस की, एक बच्चे ने वहाँ अपने कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जय भीम के नारे लगा दिए तो उसको पीटा गया। जब उसको पीटा गया तो उसने थाने में FIR करा दिया, उसके खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया जिन्होंने पीटा, तो अब वो माफी मांग रहे हैं। ऐसे ही हेमलता भैरवा वहां राजस्थान में टीचर है, जो कह रही है कि सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी, और वो उनकी तस्वीर लगा करके बच्चों को उनके बारे में बता रही है। तो गांव वालों ने गुंडागर्दी करी है कि हटाओ, यहां पे इसकी पूजा नहीं होगी, इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो वहां पे वो हेमलता भैरवा ने FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ, तो उनके
उनको भी अब माफी मांगनी पड़ रही है। तो इस देश के अंदर जितना दबाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो विचार की लड़ाई है वो सामाजिक लोग लड़ेंगे, वो आम जनता लड़ेगी। नेताओं को विचारों से मतलब नहीं होता, नेता अगर मतलब रखता है तो वो आपके वोट से रखता है, चाहे वो नेता किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप ये ना सोचें कि अगर हमारी हमारी जाति का नेता होगा तो वो हमारे लिए करता है। अरे अपनी ही जाति का नेता, चाहे वो ठाकुर का हो, बनिया का हो, या ब्राह्मण का हो, या फिर खुद दलित समाज का हो, या ओबीसी समुदाय का हो, अपनी ही जाति की जो गरीब लोग हैं उनकी मदद नहीं करता वो। अपनी ही जाति की गरीब लड़कियों के अगर उसको मौका मिले तो वो उनकी इज्जत नहीं छोड़ता बर्बाद करने से। तो नेता जो है, नेता की जो सोच होती है वो केवल आपके वोट तक होती है, आपके दर्द तक नहीं जाती है। इसलिए इस समाज में परिवर्तन आम नागरिक लाएंगे, और आम नागरिक नेताओं पर ये बात न छोड़े, विचारधारा की लड़ाई हमें और आपको लड़नी पड़ेगी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? आप इतने लंबे समय से बहुजनों की आवाज उठा रही हैं, हाशिए पे खड़े लोगों के लिए लड़ रही हैं, जातीय सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे? और आपने भागीदारी की बात की कि, और आपको लगता है कि सोशल जस्टिस की बात करने से क्या वाकई में चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में? देखिए चेंजेस तो आ रहे हैं, मैं तो बहुत इस बात को लेकर खुश हूँ। आज जिन लोगों की सरकारें नहीं हैं, जिन लोगों के नेता गूंगे हैं, आज वो लोग आम जनता उठ करके खड़ी हो रही है। और जब आम जनता उठ कर खड़ी होती है तो वहीं से परिवर्तन की बयार आती है, क्योंकि जब नेता बोलते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए जितना उनका सिद्ध हो रहा होता है स्वार्थ, इतना इतना बोलते हैं, इतना इतना छोड़ देते हैं। लेकिन आम जनता जो विचार को समझती है तो वो इतना नहीं बोलती जितना उसको लाभ और नुकसान हो, वो इतना बोलती जितने से समाज में परिवर्तन हो, वो हर हद तक बोलती है। तो जो भी देश के अंदर मुझे सुन रहे हैं, मैं उन से अपील करूंगी कि कल कुछ नहीं है, आज से ही अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए, और अगर जान गए हैं तो आगे वाले लोगों को बताइए। क्योंकि जब तक आप अपने पास ज्ञान को लेकर बैठे रहेंगे तो आपने कितनी भी किताबें पढ़ी, कितना भी ज्ञान हासिल कर लिया, अगर आप उसको अपने लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो वह ज्ञान रुके हुए, जैसे तालाब में रुका हुआ पानी है, इस तरह से सड़े सामान के सड़ा सामान है, क्योंकि वो किसी के काम नहीं आ रहा है। और बहता हुआ पानी, बहता हुआ चलता फिरता ज्ञान जो लोगों को दिया जाता है, आगे बढ़ता हुआ ज्ञान ही ज्ञान माना जाता है। तो जो शिक्षित समाज अपने अनपढ़ समाज को अगर अंधविश्वास पाखंड से बाहर ना निकाल पाए तो वो शिक्षित होने का उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो समझती हूँ अगर मैं शिक्षित हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरूरी नहीं है कि मैं रिजर्वेशन से नौकरी लूँगी तब मैं लोगों के लिए काम करूँगी। मैं रिजर्वेशन की किसी भी नौकरी पर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं छात्र बनी, अगर मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, तो इसके पीछे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का त्याग था, और उस त्याग को मुझे पे बैक करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू निधि जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दीदी निर्देश सिंह, लगातार मुद्दों पर बात उठाई जो बहुजन समाज के लोगों को मुखर होकर एकजुट होकर उठानी चाहिए। ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी आप अपनी गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल पाएंगे। हमारी बातचीत पे आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि बहुजन समाज की महिलाओं को खासकर ये वीडियो कैसी लगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।